subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. सोशल मीडिया की जब शुरुआत हुई थी तो ये क्लेम था सोशल मीडिया का कि ये कनेक्टिविटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशलाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ही कहा जाता है, मगर वो इतना खौफनाक पॉलिटिसाइज हो चुका है, सिर्फ पॉलिटिसाइज होना भी समझ में आ सकता है, वो इतना पोलराइज्ड हो चुका है, इतना डिविसिव हो चुका है, इतना अथॉरिटेरियन हो चुका है के हैरत होती है कि वो इंसानों को बीच में जोड़ने के लिए बना है या तोड़ने के लिए बना है। एक नया प्लेटफॉर्म है, देखते हैं आने वाले महीनों सालों में उसकी शक्ल क्या बनती है, लेकिन जो दुनिया का नैरेटिव सेट होता है वो पब्लिकेशन से सेट होता है। हम देखा करते थे 40, 50, 30 साल पहले कि कोई किताब आती थी तो एक धूम मचती थी और एक बहुत बड़ी डिबेट को स्टर करती थी। अब भी किताबें डिबेट्स को स्टर करती हैं, मगर सोशल मीडिया की कोशिश है कि अपने अथॉरिटेटिव एटीट्यूड की वजह से किताबों को भी दबा दिया जाए। अब तो ये है कि जो बात उनको पसंद नहीं आती वो उस बात को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस बात को करने वाले को ही एलिमिनेट कर देना चाहते हैं। बहुत ही हम सेंसिटिव टाइम्स में जी रहे हैं, मगर भारत में एक बहुत ही बड़ी कोशिश कुछ सालों से हो रही है गरुड़ा प्रकाशन के तहत कि वो ऐसी किताबें छाप रहे हैं जो अल्टरनेट डिबेट को दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव नहीं, जो एक ही तरह का नैरेटिव अब दुनिया की बिग टैक्स और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं। चूँकि जो किताबें होती हैं, यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो होते हैं फाउंडेशंस नैरेटिव्स के, वो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके और मेरे सोचने और समझने के अंदाज पर। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ दिल्ली से वीडियो लिंक पर गरुड़ा प्रकाशन के CEO जनाब संक्रांत सानू भाई जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अल्टरनेट नैरेटिव के लिए और इसके साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वो एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे हो रही है। मैं वेलकम करता हूँ संक्रांत सानू जी का। वेलकम संक्रांत भाई। मैंने थोड़ी वो जो परिचय में थोड़ी लंबी बात की, लेकिन ये मेरे दिल की बात है कि जो फाउंडेशन है नेशंस की होती है, जो कौमों की तरबियत होती है, वो किताबों से होती है, अकेडेमिया से होती है। अकेडेमिया पे भी जो कुछ पहुंचता है वो किताबें ही पहुंचती हैं। तो आपको ये जो नैरेटिव के लिए जो एक स्पेस देनी थी इंडिपेंडेंट थॉट के लिए, इसका ख्याल कब आया? ऐसे सोचो ज़ाहिर भाई कि जो भी कलोनियल शक्तियाँ हुई वो सबसे पहले उन्होंने नैरेटिव, पहले तो उन्होंने मिलिट्री कंट्रोल किया और जैसे ही मिलिट्री कंट्रोल हो गया तब वो नैरेटिव कंट्रोल पे आए। आप दुनिया में कहीं भी देखोगे, आप नॉर्थ अमेरिका में बैठे हो, यहाँ पे अगर आप मेक्सिको में चले जाओ तो युकतान पेनिनसुला है जहाँ मायन सभ्यता थी। तो मायन सभ्यता का जब वो कब्जा हुआ तो इन्होंने सारे के सारे जो प्रीस्टहुड जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उन्होंने सारा उनका कोडिसेस होते थे जिसमें उनका पूरा इतिहास लिखा होता था, वो पूरे के पूरी कोडिसेस उन्होंने जला दिए। और वो जलाए इसलिए कि ये तो पेगन है, जाहिल है, ये इनके इतिहास के अंदर इनकी पुस्तक में क्या तथ्य है, तो वो सारा का सारा जला दिया। जब उनका इतिहास जला दिया तब उनका इतिहास अब उनके हाथ में आ गया जो कॉलोनाइजर्स थे, और उन कॉलोनाइजर्स ने फिर इतिहास लिखा। और ये हम देख रहे हैं, ये दोबारा होता रहा। भारत में भी हुआ, नालंदा की जो विश्वविद्यालय था कितने कितने देर तक जला, उसकी सारी पुस्तकें जलाई गई। और जो पहली जो ताकतें थी वो आई, उन्होंने उनको मारा, काटा, जलाया, जो स्कॉलर्स थे उनको मारा। लेकिन जो अंग्रेजी शक्ति थी, खासकर 1857 के बाद, जब 1857 तक और टाइप के वो कंट्रोल करते रहे, जब वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ हमारे वहाँ पे,
तब उनको लगा कि जब तक इन लोगों का माइंड कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे. सो देन दे स्टार्टेड दिस वेरी सीरियस थिंग कि हम इनका माइंड कैसे कंट्रोल करा जाए. और पाकिस्तान में भी भारत में भी आप देखोगे तो जब हम आज़ादी मिली आज़ादी के बाद भी जो ढांचा था वो जो अंग्रेजी ढांचा था वही ढांचा लगभग चलता रहा. उस ढांचे को बदला नहीं गया और भारत में कई कारणों से नहीं बदला गया और वहाँ पर पाकिस्तान का अपना कहानी रही. तो सारी जो 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 सोच भी है जिस दृष्टि से हम अपनी जिस नज़र से हम अपनी अपने समाज को देखते हैं वो नज़र भी अभी तक हमारे पास अंग्रेजी नज़र है. तो उसको हम कैसे और अगर आप भारत की बात करें तो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है. अंग्रेज तो कुछ यू नो कई कुछ 100 साल पुराने 1000 पहले तो ये कोई अंग्रेजी जैसा यू नो देश भी नहीं था. तो उस सभ्यता को आपने एक दूसरी सोच से लेकर काबू कर लिया. लेकिन जो सीख है भारत की जो भारत की सीख है जो प्लूरलिज्म पे बेस्ड है जो जो म्यूचुअल हार्मनी पे बेस्ड है जो नेचर पे बेस्ड है उसकी बहुत आवश्यकता है पूरी पूरी विश्व दुनिया में. तो क्योंकि उसकी ज़रूरत है और मैं तो वैसे आईटी प्रोफेशन में था मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था कंप्यूटर्स का आदमी हूँ लेकिन मेरे जो फादर थे वो कवि थे. तो माई फादर वॉज अ हिंदी पोएट तो वो हिंदी की कविता करते थे. उनको साहित्य अकादमी हरियाणा से अवार्डेड भी थे. तो घर में एक लिटरेरी माहौल था लेकिन मैं कंप्यूटर में गया टेक्नोलॉजी में गया क्योंकि उसी का बोलबाला था और मुझे मुझे रुचि भी थी दिलचस्पी थी उसमें तो मैं उसमें गया. तो लेकिन मेरे को एक समय पे लगा कि ठीक है हम एक टूल्स ही बना रहे हैं कंप्यूटर में जब मैं काम कर रहा हूँ तो टूल्स बना रहा हूँ लेकिन टूल्स का मैं प्रयोग कब करूँगा उसका इस्तेमाल कब करूँगा. तो उसके जब मेरे को अपने आप एक ये जागरूकता आई कि जो भारत की सभ्यता की कहानी है और भारत की सभ्यता की जो सीख है वो दुनिया में आए तो उसमें दुनिया का भला हो सकता है तब फिर मैंने अपना पूरा आईटी करियर छोड़कर इस रास्ते पे चला गया अपनी साधना के रास्ते पे अपनी शोध के रास्ते पे रिसर्च के रास्ते पे कि पता लगे ये क्या थी सभ्यता कैसी थी. तो काफ़ी वर्ष ये किया उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब जो मेरे को पुस्तकें मिलती थी मीडिया में जो नैरेटिव मिलता था और जो मेरे को पुस्तकों में भी मिलता था वो लगता था कि बहुत ही कटा कटा सा है और जैसे हमको पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं हम किसी और की ही भाषा में किसी और की शैली में किसी और की नज़र से अपने आप को देख रहे हैं. तो इस ये सोच से फिर मैंने गरुड़ प्रकाशन शुरू किया. बहुत ही बढ़िया सफ़र है और जिस तरह आपने बताया कि ये एक समय की ज़रूरत थी हम ये समझते हैं जो आपका इस मैदान में आना. बड़ी अच्छी आपने बात की वो जो जो साउथ अमेरिका के कबीले की बात की कि जब ये गए कॉलोनाइज़र तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ये जो रिलीजियस बिलीव्स हैं ये सारे के सारे बेकार हैं क्योंकि वो अपनी आंख से देखते थे कॉलोनाइज़र. आज के जो कॉलोनाइज़र हैं वो कॉलोनाइज़र तो नहीं हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनकी आंख से ही पूरी दुनिया को देखा जाए. मैं अभी ट्विटर में आज ही बल्कि थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं इवन वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस की नीस जो हैं मीना हैरिस वो आपके ट्वीट पे आपके साथ हंगामा खड़ा कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि भाई ये देखिए ये नैरेटिव गलत होता है और आप उनको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हैं कि दूसरा अल्टरनेट नैरेटिव भी होता है. लेकिन दूसरे नैरेटिव को जैसे कॉलोनाइज़र नहीं मानते थे आज का जितने ये शेड्स हैं लेफ्ट के चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट के हों चाहे वो सो कॉल्ड मॉडरेट हों वो भी किसी दूसरे नैरेटिव को मानते नहीं हैं. तो इस सारे में जो आप पब्लिकेशन का काम कर रहे हैं आपको क्या दिक्कत लगती है और उस ट्वीट पे भी ज़रा बात कीजिए जो जो कमाला हैरिस की नीज के साथ आपकी एक तरह से मैं कहता हूँ सोशल मीडिया की आइडियोलॉजिकल वॉर्स ही होती हैं और तो कुछ नहीं है. ये एक्चुअली बहुत ताज्जुब की बात है ताहिर भाई. मैं अपने आप को एक तरह से हमेशा लेफ्ट लिबरल ही मानता आया लेकिन
अभी क्या मैंने देखा है, ये हाल ही के कुछ वर्षों में शायद बढ़ गया है कि एक बिल्कुल जैसे रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन और रिलीजियस फर्वर होता है, वो अब लेफ्ट में बहुत अधिक आ गया, जो कि द लेफ्ट इज नो लॉन्गर लिबरल, यू नो, इट इज इन फैक्ट डॉगमैटिक, इट इज कंप्लीटली डॉगमैटिक। इफ यू स्टेप आउट ऑफ लाइन, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हो, तो आपको पूरा लिंच मॉब आपके ऊपर डिसेंड करेगा और आपको बताएगा कि, और आपको यू नो हर प्रकार से डी प्लेटफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो उस तरह से जो पब्लिकेशन हाउस है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज मिलना और मेन स्ट्रीम मीडिया से यू नो आपको आपको बारे में, आपकी बुक्स के बारे में रिव्यूज होने, कवरेज होने, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन हमने क्या किया कि सोशल मीडिया में दोनों पहलू हैं, उसके अंदर नेगेटिव पहलू भी हैं और पॉजिटिव पहलू भी हैं। और पॉजिटिव पहलू में यह है कि लोग, जब आपके पास कुछ बात हो कहने की, तो लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, और जैसे लोग जुड़ते जाते हैं फिर आपके पास एक ऑडियंस बन जाता है जिससे आप अपनी बात भी कह सकते हैं और पुस्तकों के माध्यम में और ऑथर्स को सामने लाकर और ऑथर्स की बात भी उन लोगों के पास लेकर जा सकते हैं। तो ये तो दोनों पहलू हैं सोशल मीडिया के, और उसको कैसे प्रयोग करना है और किस तरह से आगे बात बढ़ानी है। और मैंने मीना को भी यही कहा, मैंने कहा कि कोई नेम कॉलिंग आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं संवाद करते हैं इसके बारे में, लेट अस हैव अ डायलॉग एंड लेट अस फिगर आउट। फार्म बिल्स है, उसके अंदर किसी की दो राय हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, आपकी एक राय हो सकती है, मेरी दो राय हो सकती है, हम बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर आपको बात करने में आपकी रुचि नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपने गाली देकर चले जाना है, तो फिर उसमें फिर बात होने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक आपने बात की, आप खुद भी ऑथर हैं, द इंग्लिश मीडियम मिथ के नाम से आपकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी बुक्स लिखी, आपके अपने पब्लिशिंग हाउस से जो बहुत सारी किताबें छपी उसमें से डेली राइट्स हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई एक तरह से। इसके साथ साथ अर्बन नेक्सल का जो टर्मिनोलॉजी है, मैं समझता हूँ कि वो आप ही ने भारत को दिया, वो जो आपकी एक बुक थी आपकी पब्लिकेशन हाउस की, तो उससे ये पूरे भारत में ये टर्मिनोलॉजी जो फैली। संजय दीक्षित भाई की अनब्रेकिंग इंडिया जो है वो भी अभी रिसेंटली एक तरह से अच्छी जिसे कहते हैं माइलेज लेने वाली बुक बनी। तो पब्लिकेशन में, जैसा मैंने शुरू में कहा था संक्रांत भाई, कि पब्लिकेशन में भी अब बदकिस्मती से जो बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं वो इतने ज़्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस का शिकार हो गए कि उनको लगता है कि उनके धंधे में, उनके कारोबार में अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल करेक्टनेस ही चलेगी। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले जो प्रोमिनेंट ऑथर्स होते थे जैसे तस्लीमा नसरीन या सलमान रुश्दी, उनकी किताबें छप जाया करती थी, सलमान रुश्दी की तो शायद अब भी छप जाए, लेकिन दिक्कत हो गई है अब ये है कि अब कोई अल्टरनेट ओपिनियन रखने वाले की, जो आपने मीना हैरिस से बात की कि भाई कोई दूसरी राय भी रख सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये हो गई है कि दूसरी कोई राय क्यों रखे, अगर कोई दूसरी राय रखता है तो वो ठीक नहीं है। ये अब नैरेटिव सेट कर दिया गया फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस सारे सिनेरियो में जो आपका पब्लिशिंग हाउस है, आपको लगता है कि वो आगे तरक्की कर पाएगा और अपनी राहें निकाल पाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना मैं इसको एक बहुत छोटे स्तर पे नहीं देखता, मैं सोचता हूँ कि ये हमारी सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन है। और अगर क्योंकि मैं स्टार्टअप, मैंने बेरिया में भी स्टार्टअप किया और टेक्नोलॉजी की फील्ड से आया, तो कोई एक तो कोई भी अगर स्टार्टअप करने की सोच रहा हो तो मैं उनको बोलता हूँ पब्लिशिंग हाउस जरूर खोलना नहीं क्योंकि इसमें पैसे नहीं बनने वाले। तो पहले तो आप ये सोच के चलो कि पब्लिशिंग हाउस जब आप खोल रहे हो तो आप उसको धंधा बनाने के लिए या पैसे बनाने के लिए नहीं खोल रहे, क्योंकि वो उस मकसद से खोलोगे और उस मकसद से वो चलने नहीं वाला, और पैसे बनाने के और बहुत तरीके हैं अगर पैसे ही बनाने। तो अगर उस सोच को अगर आप छोड़ दो, तब आप सोचो कि हमारा मकसद है कि हमारी जो ऑडियंस है उससे हम जुड़े, और जब तक ऑडियंस है जो कि पुस्तक खरीदना चाहती है, पढ़ने वाले हैं, तब तक वो पब्लिशिंग हाउस सक्सेसफुल होगा।
तो हमने एक और काम किया कि हमने सीधा डायरेक्ट सेल्स के ऊपर भी काफी एम्फसाइज किया। तो पब्लिशिंग हाउस के साथ ही हमने वेबसाइट लॉन्च की ताकि हम ई कॉमर्स डायरेक्टली कर पाए, garudabooks.com करके, garudabooks.com के नाम पर। तो उसका उसका भी ये हुआ कि जो सारे गेट कीपर हैं, और आपको मजेदार बात बताता हूँ, पहले तो डेली राइट्स की जो आपने बात की, डेली राइट्स 2020 ब्लूम्सबरी से छपनी थी, और लास्ट मिनट पे उन्होंने डी प्लेटफॉर्म कर दी। वो भी एक एक पूरा कबाल लिंच मॉब डिसेंड किया कि ये कैसे छाप सकते हो। उन्होंने पूरी फैक्ट चेकिंग की हुई थी, सब कुछ की हुई थी, लास्ट मिनट पे उनको कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद वो एक दिन में हमने अनाउंस किया कि हम गरुड़ कर लेंगे, और एक दिन में हमारी लगभग 15,000 कॉपीज प्री सेल हो गई वेबसाइट से डायरेक्टली। बल्कि हमारी वेबसाइट को इतने ट्रैफिक का अंदाजा भी नहीं था, तो हमारी वेबसाइट भी डाउन हो गई 1 घंटे के लिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमने जब ये जो बड़ी ऑनलाइन कंपनी है दुनिया की, उसके ऊपर ये इसको लिस्ट किया बुक को, तो उन्होंने भी कुछ आनाकानी करके, कुछ ना कुछ रूल लगा के उसको डिलिस्ट कर दिया सब कुछ समय के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स बना पाए जिससे हमारा और जो जो पढ़ने वाला है उसका फासला कम हो जाए, उससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे, तब ये पब्लिशिंग हाउस चलेगा। और चलेगा इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं ये ऑल्टरनेटिव नैरेटिव को। जब ये ऑल्टरनेटिव नैरेटिव, जब जिसको बंद करना चाह रहे हैं, जिसकी आवाज दबाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, हम जानना चाहते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, हम जानना चाहते हैं हमारे ऊपर क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में को देखने का और भी ढंग है, ये केवल राइट लेफ्ट डायकोटमी और ये जो कांस्टेंट बाइनरीज हैं जो जनरेट होते हैं, और ये मोनोथीज्म से एक प्रकार से आते हैं बाइनरीज, कि आप कॉन्स्टेंटली यू हैव डब्ड वन साइड एज गुड एंड वन साइड एज ईविल, एंड देर इज नो वे टू ट्रांसेंड दैट बाइनरी। और जो जो भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत मजेदार बात है, उसका हम जैसे अद्वैत कहते हैं, अद्वैत का मतलब कि देर इज नो टू, हु आर यू गोइंग टू मेक एन एनिमी, कोई दूसरा है ही नहीं। तो जो ये बाइनरी थिंकिंग है और एनिमी थिंकिंग है, उससे उठ के बड़ी एक दृष्टि है दुनिया को देखने की, और उसी दृष्टि से हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो एक दूसरे को काट के मार के खत्म कर देंगे। आपने भारतीय सिविलाइजेशन की बात की, बहुत ही पते की बात है, गहरी बात है, डूंगी बात है, कि वहाँ पर तो वो जो है ना, एक ही तरह के सोचने का अंदाज़ है ही नहीं। लेकिन ये एक ही तरह के सोचने का अंदाज़ कॉलोनाइज़र लेकर गए। कॉलोनाइज़र सिर्फ ये ब्रिट्स ही नहीं थे, भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो इन जो इन्वेजन करने वाले जितने इस्लामिस्ट गुजरे हैं, वो भी एक ही तरह का वो जो है विचार लेकर गए। उन्होंने भी यही कहा बिल्कुल कि हम तोड़ देंगे, ये मंदिर भी तोड़ देंगे और बुत भी ढहा देंगे, चूँकि हम तो इस तरह नहीं सोचते। यही किया उन्होंने। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल यही सूरत हाल जो है ना, भारत फॉर द पास्ट 1000 ईयर्स एक तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, सफ़र कर रहा है। भारत अभी भी आज़ादी के बाद उस माइंडसेट से पूरे का पूरा बाहर नहीं निकला। वही बात जो मैं शुरू से कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कि पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन की बेसिस पर ही यूनिवर्सिटीज़ में, अकेडेमिया में डिबेट्स होती है। भारत में मुझे विलिंगनेस नज़र आती है संक्रांत भाई, ऑल्टरनेट थॉट के लिए। अमेरिका में भी नज़र आती है, इसके अलावा दुनिया भर में बहुत मुश्किल हो गई है ये बात। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक है उसको आप कभी मिटा नहीं सकते। फाइनली द नेचर इज गोइंग टू फाइनली गोइंग टू कीप ऑन कमिंग बैक। जो जो इस्लाम में शर्क कहते हैं ना, वो शर्क क्या है, दैट इज द नेचर रीअसर्टिंग इटसेल्फ। एवरीथिंग विच इज नेचुरल, जो जो मोनोथियस्टिक सोच है उसमें एवरीथिंग विच इज नेचुरल एंड समहाउ रॉन्ग एंड इट्स सिंफुल बिकॉज एवरीथिंग हैज टू कम ऑन दिस टॉप डाउन मैनर। जैसे ना आप जंगल के अंदर जाकर अगर आप एक एक कुछ बना दोगे वहां पर और उसको छोड़ दोगे, तो थोड़ी देर बाद जंगल आकर उसे वापस ले लेगा, नेचर जो है वो वापस उसको रिक्लेम कर लेगी। तो हमारी जो जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल है, तो
इसीलिए ही लोग बार बार उस बात पे आ जाते हैं, चाहे ऑपोजिशन भी हो चाहे जो भी हो। तो इसलिए मैं कभी भी पैसिमिस्टिक नहीं होता इस बारे में, क्योंकि जो नेचर है वो हमेशा अपनी जगह ढूंढ के वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। बहुत बड़ी आपने बात की। और भारत इस वक्त टर्मोइल से फिर गुजर रहा है हमें लगता है यहाँ पे बैठ के, लेकिन अगर भारत में बैठ के देखा जाए तो वो इतना बड़ा टर्मोइल नहीं है। मेरी मुराद फार्मर्स प्रोटेस्ट की है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। और तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे डेली राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बढ़िया किताब आई, इस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ लोग किताबें लिखेंगे और जो असल सच है, जो ये जितने प्रोटेस्ट करवाने वाली कुवतें हैं, अब जैसे ये मीना हैरिस की बात हो रही है, एक पोलिटिकल फैमिली से इनका ताल्लुक है, या जैसे हम ये सुन रहे हैं कि इनकी पीआर फर्मों को, ये जो एक्ट्रेसेस हैं जिनको कख नहीं पता होता किसी चीज़ का, इनकी पीआर फर्मों को पैसे वैसे दे के ट्वीट करवाई जाती है। अभी ये सुपर बॉल जो बहुत बड़ा अमेरिका में होता है, उस पर जो ऐड चला है, मुझे ये पता चला है फार्मर्स के लिए कि 5 मिलियन से ज़्यादा उसकी कॉस्ट थी। तो वो गरीब फार्मर्स तो बेचारे नहीं, पांच मिलियन और फार्मर्स को दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, वो एक ऐड चलाने के लिए। अब ये कुवतें कौन सी हैं, क्या एलिजिबली चाइना है किसी हद तक, पाकिस्तान, उनके पास अब इतने पैसे नहीं रहे, वो ज़रूर करें जितना भी उनके पास रिसोर्स होगा, टर्की है और एक्सट्रीम लेफ्ट की जो ताकतें हैं, और ये सारे का सारा इस कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि कोई पब्लिकेशंस में आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कोई किताबें आएंगी आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी कुछ हो रहा है, पहली बात मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट में भी अगर आप वन ऑन वन लोगों से बात करोगे ना, तो एक्सट्रीम सोच रखने वाला एक छोटा ही सेगमेंट है। जब आप वन ऑन वन लोगों को बात करके समझाते हो तो लोगों को समझ आ जाती है बात, ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं आती है बात। लेकिन जैसे रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन होता है ना कि आपको आपको ऊपर इतना ज़्यादा लादा गया है वो डॉक्ट्रिन एंड डॉगमा, तो वही रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन का ही एक तरह का सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है। तो लेकिन जैसे आप इंडिविजुअल डायलॉग करते हो, इसलिए मैंने मीना को कहा, मैं सोचा था हो सकता है सयानी हो जाए कि चलो बातचीत करते हैं, इसमें इतनी जैसे फार्मर वाला इशू है, इसमें पहली बात तो इसमें सबसे मजाक की बात है कि ये जो अभी करंट इंडियन गवर्नमेंट ये लेजिस्लेशन लाई है, किसी सब ऑपोजिशन पार्टी ने किसी ना किसी टाइम पे ये बिल्कुल बात यही कही है कि ये होना चाहिए। कांग्रेस भी कह के चुकी है, आम आदमी पार्टी भी कह के चुकी है, जो सारे के सारे ऑपोजिशन में खड़े हैं वो ये सब कह के चुके हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है, अब कह के चुके हैं होना चाहिए, लेकिन करे कौन, क्योंकि बड़ा चेंज है उसके अंदर डर लगता है। अब किसी ने हिम्मत करके कर दिया, अब उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लॉ में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि ये साला क्यों कर गया। ये प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अभी भी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था और मैं सोचो कि मैं पता नहीं क्यों और सर्वे सब छपने चाहिए, लेकिन मैंने अभी शायद न्यूज 18 का सर्वे था जिसमें कहा कि 70% ऑफ द फार्मर्स सपोर्ट दिस लॉ, और एक और सर्वे था जिसमें कहा कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर्स में इस लॉ की सपोर्ट ज्यादा है, और अगर आप पंजाब का फार्मर देखोगे वो बाकी फार्मर से इंडिया के कंपेरिजन में ज्यादा अमीर है। तो एक लॉबी है, एक छोटा सेगमेंट है जो ये बात उठा रहा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनकी गलत बात है, मैं कह रहा हूँ उनकी भी राय हो सकती है, लेकिन इसके अंदर आपको इसका पूरा कि भाई आप शहर को रोक दो, लोगों को जाने ना दो, काम ना करने दो, ट्रैक्टर्स लेकर पूरा का पूरा वहाँ पे चढ़ जाओ, ये तो आप प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे, आप डिसरप्ट करना चाह रहे, तो वो नियत ही गड़बड़ हो जाती है। देखिए, बात तो डिसरप्शन की भी नहीं रही, डिसरप्शन भी अनएक्सेप्टेबल होती है, बात तो उससे बहुत आगे बढ़ के टेररिज्म की हद तक चली गई कि हम इंसुरेक्शन करेंगे, हम टेररिज्म करेंगे, यहाँ से बैठे हुए अमेरिका कनाडा से बैठे हुए जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह हैं वो कहते हैं हम इतने लाख डॉलर देंगे, झंडा लहरा दें वहाँ पे जाके खालिस्तान का, तो ये सब चीज़ें ऑन रैकेट हैं।
और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स हो रही हैं कि आपको और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि रेहाना को पर्सनली तो शायद पता भी नहीं होगा कि कोई ट्वीट जा रही है उनके अकाउंट से, उनके तो पीआर फर्म्स ये सारे का सारा करती हैं मैनेज, और वो वहाँ पर कोई चीज़ भी जिसे होता है ना दिल से तो होती नहीं है, सब पैसे की बेस पर होती है। बिल्कुल कि मतलब इस तरह की ट्वीट देने के भी इतने पैसे होंगे, और फिर एक ही तरह की ट्वीट ग्रेटा पे के यहाँ भी चलती है और रिहाना के यहाँ भी चलती है और मेया के यहाँ भी चलती है। अच्छा, उनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है आजकल के कोविड के ज़माने में, वो वैसे ही सब दुनिया को पता चल गया कि ये नॉन एसेंशियल सेलिब्रिटीज़ हैं, कोविड ने तो बता दिया ना कि सेलिब्रिटीज नॉन एसेंशियल हैं, इनके बगैर दुनिया के काम बहुत बढ़िया तरीके से चलते रहते हैं। तो उनको इस यानी मंदी के ज़माने में पब्लिसिटी भी मिल गई, जब गाने भी नहीं आ रहे तब तो भी पब्लिसिटी मिल गई, और इस मंदी के जमाने में पैसा भी बन गया। तो दोनों काम हो गए। मगर भारत में जो सिचुएशन है, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में, फार्मर्स कॉन्टेक्स्ट में नहीं संक्रांत भाई, जो मैं पीछे भी आपसे बात कर रहा था कि ऑल्टरनेट नैरेटिव के लिए थर्स्ट है, आपने कहा कि डेली राइट्स किस तरह आपकी वेबसाइट से ही डायरेक्ट 15,000 कॉपीज एक ही दिन में यानी पहले दिन में वो बिकी, थर्स्ट थी। बिल्कुल। अच्छा, भारत में ये जो एक थर्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो पॉलिटिकल फेस हैं, वो रहेंगे बहुत सालों तक, होपफुली रहेंगे, वो चले भी जाते हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है, ग्रेट डेमोक्रेसी है, वहाँ चेहरों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और भी चेहरा आ जाएगा, लेकिन ये तो थर्स्ट है, ये लगता है कि अब आपको कि ये अब चलती रहेगी और सोशल मीडिया की जो जो अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है उसकी परवाह नहीं करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अलग अलग चैनल्स बन जाएंगी। एक मज़ेदार बात है कि जो इंटरनेट जब बनाई थी डरपा ने, तो इंटरनेट बनाई थी टू विदस्टैंड अ न्यूक्लियर अटैक, यानी कि जो आईपी प्रोटोकॉल ही है वो प्रोटोकॉल इस तरह से बनाया कि अगर एक एक राउट से ट्रैफिक नहीं जाएगा तो वो दूसरा राउट ढूंढ लेगा ट्रैफिक के लिए। तो एक तरह से एक और भी बात है, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट में था और मैं टेक्नोलॉजी में था, इंटरनेट समझ लो मेरे सामने सामने हुई, जब पहला मैं इंटरनेट का प्रोजेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट पे उस पर मैंने काम किया, तो तब मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार में ये एक नई चीज हुई कि द मासेस कैन रीड। उससे पहले मास एजुकेशन एंड मासेस विल रीड, ये आइडिया नहीं था दुनिया में। तो masses can read came from the printing press, and then the masses can write comes from the internet, that everybody can have a point of view. So the masses can write is something that the internet brings. तो आप ठीक है, आप डी प्लेटफॉर्म कर सकते हो, सोशल मीडिया पर किसी को ब्लॉक कर सकते हो, करते हो, लेकिन इंटरनेट कोई ना कोई अपना रास्ता पानी की तरह ढूंढ लेगा, और मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल कंप्लीटली जकड़ के बंद करना मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स चाइना जैसे रिजीम्स हैं जो कि बिल्कुल टोटलिटेरियन है, तो उन्होंने तो अपनी ही इंटरनेट बना रखी है, वो पूरा सर्वेलेंस स्टेट है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें भी लोगों ने कुछ मीम्स बनाए, विनी द पू मीम बनाया, कुछ और मीम बनाया इसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए जो अपने जी हैं, और तो लोग अपना अपना तरीका निकालते हैं, उस जैसी स्थिति में भी निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एटलीस्ट यूएसए में या भारत में इस तरह की हालत हो सकती है कि आप लोगों को बिल्कुल बोलना बंद कर पाओ, क्योंकि हमारे सिविलाइजेशनल डीएनए में ही है कि हम अपनी बात कहेंगे, और कोई ऐसा रजीम आएगा अगर कि लोगों को बंद करना रहेगा तो लोग उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल अच्छा नुक्ता उठाया कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक नैरेटिव हम पब्लिकेशन की दुनिया में देखते हैं और आजकल बहुत खुला नज़र आ रहा है कि जो कोट अनकोट लेफ्ट के लोग होते हैं, हालांकि आप और मैं भी अपने आप को ट्रू लेफ्ट के समझते हैं, लेकिन लेफ्ट अब ये कहता है कि नहीं, जो ट्रू लेफ्ट है वो भी अब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वही लेफ्ट है जो हम बताएंगे। तो चलिए, वो ये कहते हैं कि जो हमारे ही फिल्टर से गुजरेगा वही इंटेलेक्चुअल है। अरे अभी तो उन्होंने हैरी पॉटर के उसको डी प्लेटफॉर्म किया, क्या कहते हैं उसको, हैरी पॉटर के ऑथर को जी,
वो हालांकि खुद जो है हो गया जी, वो हालांकि खुद हैरी पॉटर की जो ऑथर हैं एक अच्छी औरत है, मगर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस के शिकार रहती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुद एक तरह से लेफ्ट के, वो इनके लेफ्ट के जो जो अब नया लेफ्ट बना है ना, उसके ही अब वो बॉक्स में आती हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो हमारी नज़र से अप्रूव होगा, जो हमसे फिल्टर होगा, वही लिखा रही है, बाकी सब के सब वो कोट अनकोट राइट विंगर्स हैं। राइट, राइट। अब इन्होंने 6 जनवरी से ये सीखा कि ये सब के सब टेररिस्ट हैं वो सर ट्रंप के खिलाफ जो इम्पीचमेंट भी चल रही है अब, वो उन्होंने ये सीखा कि ये सब के सब टेररिस्ट भी हैं। हालांकि वो जो कुछ सो कॉल्ड सपोर्टर्स थे वो तो बहुत ही कम लोग थे। हम देख रहे हैं अमेरिका में और भारत में शहीन बाग हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो, ये तो इनके तो मतलब जो सो कॉल्ड इनका एक्सट्रीम लेफ्ट है वो तो मिलियंस एंड मिलियंस अब इकट्ठा हो जाता है और जिंदगी दुनिया की ये बंद कर देते हैं। ये तो चंद सौ हजार लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करते और हम भी उनकी एक तरह से कंडेमनेशन करते हैं, आप और मैं भी, जो ये 6 जनवरी को हुआ कैपिटल हिल में। लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं, अब जो बाकी जो हम जैसा नहीं सोचता वो ये हैं, अब ये राइट विंगर्स भी नहीं है, टेररिस्ट हैं, बल्कि आप तो ये कह रहे हैं ये अलकायदा से भी बड़े टेररिस्ट होते हैं। तो अब ये सोच का ये आलम है, तो इसको कंपीट करने के लिए या इसके खिलाफ एक दूसरा नैरेटिव, इंडिपेंडेंट नैरेटिव लाने के लिए आप अमेरिका में अपनी पब्लिकेशंस को लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सी मैं इतना इसको, जबकि ये पॉलिटिकल बना दिया गया है, मैं इसको बहुत पॉलिटिकल नहीं सोचता, क्योंकि मैं जो पूरे योग मूवमेंट है, योगा मूवमेंट है अमेरिका में, उससे भी जुड़ा रहा हूँ और मैं वो पढ़ाता भी हूँ, और हर रोज मुझे अलग अलग लोग मिलते हैं जो कि जो आम अमेरिकन है, चाहे अपने आप को वो डेमोक्रेट बोले चाहे आपको रिपब्लिकन बोले, आम आदमी से जब आप बात करते हो तो आप अपने अपना नाता पूरा बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो। तो मैं जो अमेरिका में, बल्कि हमारी जो पुस्तक आ रही है, एक पुस्तक आ रही है द योगा ऑफ रिहैब, विच इज countering addiction through yoga. तो ये, और ये जो जिसने लिखी है ये खुद PhD है, साइकोलॉजी में PhD है, लेकिन she was a drug addict, she was an alcohol addict, she found yoga, she found सुदर्शन क्रिया जो मैं भी पढ़ाता हूँ, और through that she got free of her addictions. तो उसके बाद उसने खुद अपने आप की जिंदगी पूरी सवार के PhD की और PhD करके अब बुक लिखी है योगा ऑफ रिहैब, यू नो द 12 स्टेप्स टू डी एडिक्शन थ्रू द योगा पाथ। तो इस प्रकार की, और देखो 1/5 ऑफ अमेरिका इज टुडे अंडर साइकाइट्रिक मेडिकेशन, 1/5 ऑफ अमेरिका इज अंडर साइकाइट्रिक मेडिकेशन। तो मैं एक हमारा जो प्रकाशन घर भी है वो एक बड़ी दृष्टि लेकर चल रहा है कि हम लोगों को कैसे एक दृष्टिकोण दे पाए जो कि दुनिया के लिए बेनिफिशियल है, दुनिया के लिए होलसम है। तो हमारा जो पर्पस है, और वो अमेरिका में तो बहुत उसकी आवश्यकता है, पूरी दुनिया में आवश्यकता है, तो इसलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं लग रही उसमें बढ़ाने में। आपसे आज बातचीत करके संक्रांत भाई, हमें बड़ा हौसला हुआ कि आप न सिर्फ अल्टरनेट नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, बल्कि जो आम आदमी है दुनिया का उससे जुड़े हुए हैं। अब तो ये टर्मिनोलॉजी आम आदमी भी इतनी पॉलिटिसाइज हो गई कि वो सब की सब चीज़ें जो हैं वो जनरल कॉन्टेक्स्ट से निकल के अब बहुत ही लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में आ चुकी हैं। लेकिन आप जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट से निकाल के जनरल कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अल्टरनेट आइडियाज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस की उनसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की आवश्यकता है, और ये दिस इज़ वन ऑफ द एरियाज़ जो मैं कहूँगा कि भारत जब इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन हुआ, पहले इस्लामी ट्रैक्स में हुआ, बाद में ब्रिटिश में हुआ, हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर कम ध्यान दिया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर कम ध्यान दिया, नए इंस्टीट्यूशन बनाने में कम ध्यान दिया, और हमने इंडिविजुअल सक्सेस पे, जैसे
मैं भी जैसे सिलिकॉन वैली और इसमें सियाटल में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, और बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कि अलग-अलग टेक्नोलॉजी से या और तरह से अपने आप पर्सनल बिजनेस सक्सेस मिला है। लेकिन पर्सनल बिजनेस सक्सेस को हम विश्व में परिवर्तन आए उसकी तरफ कैसे बदलें, दुनिया दुनिया की सोच में परिवर्तन आए और दुनिया एक शांति की ओर जाए, ये जो आपस में झगड़े हैं उसको छोड़कर, तो उसको उसके लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की भी आवश्यकता है ताकि वो फैल सके बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट बात है। आखिर में आज की बातचीत में आप क्या कोई ख़ास बात मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे ज्यादा मैं व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि पॉलिटिकल राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन दूसरे को अपना शत्रु ना मानो। चाहे आप राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, सेंटर में हो, जहां पर भी हो, ये ना सोचो कि द अदर इज माय एनिमी। दिस अदराइजेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन 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 सोसाइटी। और मैं अपने सिख भाइयों को भी कहूंगा, मैं अपने आप को भी सिख ही मानता हूं क्योंकि मैं पंजाब में पला बड़ा, और हम गुरुद्वारा उतना ही जाते थे, मंदिर से ज्यादा तो गुरुद्वारे जाते थे, तो हमने कभी उस तरह से देखा ही नहीं कि ये अलग है। तो ये जो दृष्टि है कि ये अलग है, और इसमें ये जो इंदिरा गांधी की सरकार थी और थी, उन्होंने गलतियां की, ये किया, इधर से गलती, तो वो उस सब की नहीं मैं बात कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जो सीख, जो गुरु की सीख है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एको नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, ये गुरबानी है। तो उस गुरबानी पर हम लौट कर आए अगर, तो ये खालिस्तान भी खाली रह जाता है, और ये जो हमारे ये जो हमने छोटे छोटे दायरे बना लिए, वो दायरे टूटते जाते हैं। तो जो अगर हम दर्शन, गुरु का दर्शन अगर सही में समझना है ना, तो पर हमको खालिस्तान जैसी सोच ही नहीं आएगी कभी। बहुत बढ़िया आपने बात की संक्रांत भाई, आपसे हम आने वाले दिनों में भी बातचीत करते रहेंगे। बड़ी इनलाइटनिंग बातचीत आपकी है, इसलिए कि हमें चाहिए कि हम दुनिया को एक बैलेंस सोच दें। जो आप जैसे सोचने वाले ऑथर भी हैं, पब्लिशर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, हम तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया ताहिर भाई। बातचीत सुन रहे थे संक्रांत सानू जी की, गरुड़ा पब्लिकेशन, इनका एक बहुत ही बढ़िया इदारा है अल्टरनेट, जो पूरे का पूरा सोच का धारा है। जब मैं अल्टरनेट कहता हूँ तो वो बैलेंस सोच का धारा है, ये नहीं कि वो एक ही रुख की बात करेंगे, जैसा कि आज दुनिया का वतीरा बनता जा रहा है। संक्रांत भाई और इनका पब्लिकेशन हाउस ये कह रहा है कि बैलेंस सोच पे आपने खुद को कैसे बैलेंस रखना है। आज का बिला तकल्लफ तजिया मेरे साथ और संक्रांत सानू भाई के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।